मुझे यकीन है कि मैं रानी परी से मानव और मेहर को परीलोक ले जाने के लिए आज्ञा मांगूंगा तो मुझे मना नहीं करेगी। वैसे भी रानी परी मानव और मेहर को पृथ्वी लोक वापिस भेजने से पहले उनकी सारी याददाश्त मिटा ही देगी। पर मानव और मेहर को परीलोक उड़ा कर ले जाना सही नहीं रहेगा, और मेरे और बल्लू दोनों में से एक ही उनके साथ उड़कर जा सकते हैं, तो मुझे मानव और मेहर को परीलोक ले जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मिल गया रास्ता। जैसे सच बोलने वाला बच्चा कभी नहीं हारता, वैसे ही बन जाए यहाँ से परीलोक जाने का रास्ता। रास्ता तो बन गया, पर मानव और मेहर इस रास्ते से आराम से आ जा पाएंगे या नहीं उसकी भी जांच कर लेता हूँ। तुम ये सब करके बहुत बड़ी भूल कर रही हो भयंकर परी। अब भी समय है, अपनी गलती सुधार दो। भूल तो माँ परी ने की थी, तुम्हें मेरी जगह रानी परी बनाकर। मैं तो बस आज उनकी भूल को सुधार रही। अब मैं हूं तुम्हारी नई रानी और तुम हो मेरी गुलाम। कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें गुलाम बुलाकर। लेकिन हमारे होते हुए तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें रानी परी नहीं बनने देंगे। परीलोक में तुम जैसी दुष्ट परियों की कोई जगह नहीं है। रात चला गया लेकिन आदेश देने की आदत नहीं गई। जैसे जैसे गुलामी का जीवन बिताओगी, आदेश देने की बजाय आदेश मानने की आदत हो जाएगी। ना समझ भयंकर परी, एक बात तुम भूल रही हो कि इस राजदंड को हासिल करके तुम परीलोक पर अपना राज तो कायम कर सकती हो, लेकिन तुम हम सबको तुम्हें रानी परी मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। बाल परे, बाल परे, चुप, चुप, चुप। क्या तुमने मुझे चुप कहा? नहीं, कहा मैंने चुप रहने को इन परियों से। नहीं नहीं समझ ये परिया कि है परीलोक पे अभी राज आपका। और है ये क्या तरीका पेश आने का? करना चाहिए सिर झुका के सलाम आपको अपने इस प्रधानमंत्री तोबा तोबा को। क्या कहा तुमसे कह रहा हूँ मैं, खड़े हो अभी तक यहाँ? सबसे पहले इसे बनाऊंगा मैं अपना गुलाम। अच्छा, बनूंगा मैं गुलाम तो तुम क्या बनोगे? मैं बनूंगा बादशाह और परी भयंकर रानी। क्या कहा तुमने? रानी परी, परी भयंकर रानी परी, और मैं आपका प्रधानमंत्री। अरे क्यों तुम लोग चुपचाप? चलो जय बोलो अपने प्रधान की, मतलब परी भयंकर की। बोलो बोलो। जय बोलो नई रानी परी की, जय बोलो परी भयंकर की। भयंकर परी इस वक्त बातों में व्यस्त है, यही सही मौका है। हम उस पर हमला करके राजदंड और परितारा छीन लेते हैं। आप सही कह रही हैं। कोई नहीं जय बोल रहा आपकी परी भयंकर। बोलेंगे ये सब मेरी जय जय बोलेंगे। नए परिंदे हैं, उड़ने में वक्त तो लगेगा ही। अटका दे,
परी, भटकत परी, मोड़ बच्चा, संभालो इन्हें। क्या हुआ? दर्द हो रहा है। उड़ो? अब उड़ो ना। जितना चाहे उड़ो, मगर इतना ऊंचा मत उड़ो कि भयंकर परी से टकरा जाओ। और तुम सब एक बात कान खोल कर सुन लो, अब जो भी मुझसे टकराएगा उसका मैं यही हाल करूंगी। तुम सबकी शक्तियां तो मैंने छीन ली, मगर अब कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम सबके परों को जलाकर तुम्हें एक मामूली सी परी बना दूं। इसलिए तुम सब अपना सर झुकाओ और मुझे अपनी नई रानी स्वीकार करो। हमें कैसे भी करके इससे परितारा हासिल करना ही होगा, क्योंकि जब तक परितारा इसके पास है हम भयंकर परी का मुकाबला नहीं कर सकते। इसकी सजा मिलेगी, सजा मिलेगी, भयंकर सजा मिलेगी। रानी परे, 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 रानी। स्कूल से परी लोग आने का ये रास्ता तो एकदम आरामदायक और मजेदार है। मानो और मेहर को भी इस रास्ते से आने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन यह इतनी शांति क्यों है? कोई परी डुबा डुबा की कोई चहल पहल ही नहीं है। अरे हाँ, आज तो परी उत्सव है ना, तो सब परियां वहीं होगी। कितनी खुश होगी वो मुझे देखकर। अरे मैंने ही उन्हें मना किया था ना कि मानो की ड्यूटी वाई के मुकाबले की वजह से मैं परियोत्सव में शामिल नहीं हो पाऊंगा, लेकिन आज वो मुझे यहाँ देखकर कितनी खुश होगी, आश्चर्यचकित हो जाएगी, और मुझे उनका ऐसा चेहरा देखकर बड़ा मजा आएगा। तुम्हारी सजा तो मैं बाद में तय करूंगी, पहले मुझे परी तरह के आधे टुकड़े को फिर से अपने कब्जे में लेना होगा। इससे पहले भयंकर परी उस परी तरह के आधे टुकड़े तक पहुंचे, हमें उससे पहले पहुंचकर वो हासिल करना होगा। आधा आधा परी तारा है, यानी हम दोनों के पास बराबर की शक्तियां है। इसलिए जब तक हमारे पास आधा परी तारा है, तुम अपने आधे परी तारा से कोई भी महाशक्तियां हासिल नहीं कर पाओगी। और इस दुनिया पर अपना हक कायम नहीं कर सकती। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें ये आधा परी तारा कभी नहीं देंगे। हमें क्षमा कर दीजिए परियो, इस परी तारा के टुकड़े की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें इसे कहीं दूर लेकर जाना होगा। इसे सुरक्षित करके हम जल्द ही वापस लौटेंगे। हाँ हाँ, रानी परी, आप जाइए, आप हमारी चिंता मत कीजिए।
इस वक्त परी तारा की सुरक्षा ही आपका परम कर्तव्य है। बार बार भूल जाती हो कि तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती। परी तारा चाहे किसी को भी सर्वशक्तिमान बना सकता है, मगर वार करने के लिए राजदंड तो लगेगा ही, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। और सिवाय मेरी मर्जी के ना यहां कोई आ सकता है और ना ही यहां से कोई जा सकता है। बेचारी रानी परी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, आधा परितारा मेरे हाथ में है, मुझे इसकी सुरक्षा करनी है, मैं इसकी सुरक्षा के लिए इसे लेकर जाऊंगी। हाँ जाओ जाओ। ओ मैं तो भूल ही गई, जम जो गई हो तुम बर्फ की तरह, रुकना तो तुम्हें पड़ेगा ही। जोश ठंडा हुआ या अभी भी थोड़ा बाकी है? लाओ ये आधा परितारा मुझे दे दो। तुम जैसी कमजोर परियों के लिए नहीं बनाएंगे, इसे सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है। लाओ दे दो मुझे। हमने कहा था ना भयंकर परी, हमारे होते हुए तुम परी तारा को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। जाओ बाल परी, इस परी तारा को कहीं सुरक्षित जगह पर लेकर जाओ और अपने जीवन से भी बढ़कर इसकी रक्षा करना। हाँ रानी परी। वरना भयंकर परी इनकी शक्तियों से पूरी दुनिया का सर्वनाश कर देगी। जाओ। आस पड़ोस में सबको पूछा, इतनी रात हो गई लेकिन अभी तक बल्लू नहीं मिला। पता नहीं महेश को भी स्कूल में मिला होगा या नहीं। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। कहाँ मिला? गार्डन में पेड़ के पीछे पड़ा हुआ था। गार्डन में पेड़ के पीछे वो क्या कर रहा था? बापूजी आप गुस्सा मत होइए, पहले वो तो देखिए कि वो ठीक है कि नहीं। हाँ कहाँ है रॉकी भैया? मेरे पास है, अभी दिखाता हूँ। मिट्टी में पड़ा पड़ा गंदा हो गया था। मेहर के पापा मिला 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 पटेल का बच्चा बाहर ही मिला। तुझे अपने बच्चे को ढूंढने के लिए भेजा था, तू पटेल के बच्चे को ढूंढ के लेके आया? नहीं नहीं बापूजी, मैं तो अपने बच्चे बल्लू को ढूंढने ही गया था, लेकिन वो पटेल पटेल है ना, उसने कुछ दिनों पहले मुझसे कुछ उधार पैसे लिए थे तो मुझसे भागता फिर रहा था, आज मिल गया। तो मिला क्या? हाँ मिल गया ना, पूरा उधार वापस मिल गया। ये देखो 650 रुपए पूरा। अरे मैं पैसों की नहीं बल्लू के बारे में पूछ रही हूँ, बल्लू मिला क्या? नहीं नहीं वो नहीं मिला, पूरा स्कूल छान मारा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बापरे
मुझे लगता है कि हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। मगर बल्लू तो स्कूल में गया है ना, तो फिर उसे पुलिस स्टेशन में क्यों ढूंढेंगे? अरे बेटा, हम तो खाली पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करेंगे, बल्लू को ढूंढेगी तो पुलिस ही, है ना बापूजी? अच्छा, इसका मतलब हम लोग फ्री होंगे। मोटा भाई, तो फिर हम लोग वो मेरा वो वाला बैग ढूंढे जो खो गया था। तुमने रानी परी को बर्फ की मूर्ति बना दिया, तुम्हें भी बना सकती हूँ, बनाओ। हम तुमसे डरते नहीं भयंकर परी, जब तक हम में शक्ति है हम इस परी तरह की रक्षा करते रहेंगे। कितना बड़ा मजाक किया है तुम्हारी इस रानी परी ने तुम्हारे साथ, खुद तो कमजोर परी तरह की रक्षा कर नहीं पाई और दूसरी कमजोर परी के हाथों पकड़ा दिया इसे। ला इसे मुझे दे दो। नहीं, हमने रानी परी को इस परी तरह की सुरक्षा का वचन दिया है और हम अपनी अंतिम सांस तक इसकी रक्षा करते रहेंगे। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो बाल परे। तुम सबको एक पल में मिटा सकती हूँ मैं, इसलिए ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। यहाँ परी मैदान के पास तो परी उत्सव की धूमधाम होनी चाहिए, संगीत बजना चाहिए, आतिशबाजी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऐसी शांति है जैसे कोई उत्सव हो ही ना। अंदर जाकर देखता हूँ आखिर बात क्या है। अब मेरा समय बर्बाद मत करो और परी तारा का वो हिस्सा मुझे दे दो बाल परी, वरना तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो इस रानी परी का किया है। सोच क्या रही हो, मुझे मेरा परी तारा वापस करो। याद रखो बाल परी, मुझसे टकराओगी तो बच नहीं पाओगी। भयंकर परी, तुम्हें ये परी तारा ही चाहिए ना? तो ठीक है, ले लो ये परी तारा। एकदम सही फैसला लिया है तुमने बाल परी, बस ऐसे ही मेरा हुक्म मानती जाओ तो खुश रहोगी। बाल परी, आप ये क्या कर रही हैं? आप परी तारा का ये हिस्सा भयंकर परी को नहीं दे सकती। नहीं बाल परी, आप ऐसा नहीं कर सकती। रानी परी ने बड़े भरोसे के साथ आपको ये परी तारा दिया है, आप उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती। आप डरिए मत बाल परी, हम सब आपके साथ हैं। रानी परी परी तारा को बचाने के लिए खुद एक मूर्ति बन गई, हम उनके बलिदान को इस तरह से व्यर्थ जाने नहीं दे सकते। इतनी देर से तुम सबकी बकवास सुन रहे हो? चुप करो, चुप करो। जिसे तुम्हारी रानी परी नहीं बचा पाई उसे तुम सब क्या बचाओगी? परी तारा तो बहुत दूर की बात है, पहले ये सोचो कि तुम सबको मुझसे कौन बचाएगा। रुको भयंकर परी, तुम्हें ये परी तारा ही चाहिए ना, तो ले लो ये परी तारा, लेकिन बाकी सब परियों को चोट मत पहुंचाओ।